हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11A। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिमेट्री। ओके, सिमेट्री का मतलब स्टूडेंट्स किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है ना। तो लिस्ट एनी थ्री सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जो है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिनको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चेयर है, टेबल है, विंडोज़ हैं, तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ द सिमेट्री, यानी ये डॉटेड लाइन है वो सिमेट्रिक लाइन है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में किसी फिगर को डिवाइड कर रही है। कम्प्लीट द फिगर मेकिंग इट सिमेट्रिकल, यानी कि इस फिगर को हमें कम्प्लीट करना है। तो जैसे इधर इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जैसी फिगर बनी है, आपको राइट हैंड साइड में भी वैसी ही फिगर बनानी है। तो इसको इसके लेकर आपको वैसी ही फिगर यहाँ बनाएंगे आप। तो इस तरीके से एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी लंबी ये है उतनी लाइन लंबी ये करेंगे, ठीक है ना। और जैसे एरो इसमें लगाया तो एरो इसमें भी लगाएंगे, और इसमें ये जो है ये लाइन जो जैसे ड्रॉ करी गई है वैसे ही ये लाइन भी आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सिमेट्रिकल हो गई, यानी कि ये पूरी फिगर थी, ये लाइन टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड शेप, ठीक है ना। इसे पहचानना है, इसे शेप को, ठीक है ना। और गिवन बिलो एंड ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हम इसके नेम नहीं बताएंगे स्टूडेंट्स, ओनली सिमेट्रिकल लाइन ही ड्रॉ करेंगे। तो सिमेट्रिकल लाइन करने के लिए जैसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक लाइन इस तरीके से लाइन करेंगे, ये सिमेट्रिक हो गई, मींस ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, यानी एक इधर एक इधर लेफ्ट हैंड साइड। ऐसी सिमेट्रिक लाइन इसमें भी ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, तो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो इसमें भी हमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये सिमेट्रिकल लाइन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर सच दैट डॉटेड लाइंस एक्ट एज एन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये डॉटेड लाइन है तो ये सिमेट्रिक लाइन के रूप में काम करेंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास फिगर बनी है, ऐसी फिगर आपको इस डॉटेड लाइन के इधर बनाना है। तो ऊपर से वन पॉइंट इधर गए हैं, तो यहाँ वन पॉइंट लगाएंगे हम, इससे नोट करेंगे, और ऐसे ही एक पॉइंट आप यहाँ नोट करेंगे, ठीक है ना। नोट करने के बाद ये ग्राफ है, और एक इस तरीके से इसे ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे इसको इससे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सेम दोनों तरफ इस डॉटेड लाइन के दोनों तरफ एक जैसी फिगर बन जाएगी। तो ये सिमेट्रिक लाइन है, तो दोनों तरफ सेम फिगर आई है। ऐसी ये सिमेट्रिक लाइन है स्टूडेंट्स, तो इसके दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों सेम फिगर बनना चाहिए। तो सेम फिगर बनाने के लिए इस लाइन के ऊपर वन पॉइंट लेके गए हैं, वन सेंटीमीटर, तो यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। ऐसे ही इस लाइन के हम ऊपर वन सेंटीमीटर लेके गए हैं, तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट सिमेट्री का लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ, ठीक है ना। तो इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको हमें इससे ज्वाइन करना है, और इसको इससे ज्वाइन करना है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी फिगर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ से वन पॉइंट स्टेप में है, ऐसे जैसे वन पॉइंट स्टेप दूर रखना है इसको इस पॉइंट से, तो यहाँ एक डॉट लगाएंगे हम इसको, और इससे ज्वाइन कर देंगे, तो सेम फिगर में बन जाएंगी दोनों, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक लाइन है, तो सिमेट्रिक लाइन में ये वन पॉइंट ऊपर गया है, तो पहले वन पॉइंट हम यहाँ इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके जस्ट ऊपर ये वन पॉइंट एक और यहाँ नोट कराए, फिर यहाँ है, फिर इसके जस्ट बगल में ऊपर, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से इनको ज्वाइन करते हुए जाना है, डॉट लगा के, ठीक है ना। इसको इससे ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इससे। अब इसको ये ज्वाइन करना है, पूरा कंप्लीट नहीं ज्वाइन करना, ये यहाँ तक आप, और फिर ये यहाँ तक, ये इसको इससे ज्वाइन करना है। तो ये दोनों फिगर सेम बन गई स्टूडेंट्स। सेम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में भी यही करना है स्टूडेंट्स। तो ऐसे वन स्टेप ये दूर है, तो वन स्टेप दूर लगा के हम
इसको नोट कर लेंगे, पहले बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, मोर हो गया, ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स, इसको ऊपर नहीं करना है, रब करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके इस पॉइंट से वन स्टेप और दूर गए, तो वन स्टेप हम भी दूर जाएंगे यहाँ, तो वन स्टेप हम इसको दूर ले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इससे वन पॉइंट डिस्टेंस किया है ये, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो वन पॉइंट इधर भी ले जाएंगे हम, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। अब इसको इससे ज्वाइन करा गया, तो हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सेम फिगर बन जाएगी स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हमें सेम फिगर बनानी है। ये एक्स्ट्रा हो गया, रब करना है स्टूडेंट्स इसको हमें, ठीक है ना। नाउ अब ये स्टेप लिया तो हम वन स्टेप दूर हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वन स्टेप यहाँ पे भी दूर आएंगे। अब ये वाला लिया टू स्टेप, तो टू स्टेप यहाँ पे भी हम दूर लेंगे, तो हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसको हमें इससे ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करते हैं हम इससे, इस पॉइंट को भी हमें ज्वाइन करना है इसी से ही। ज्वाइन करने के बाद अब ये पॉइंट जो दिया है इस लाइन से वन पॉइंट डिस्टेंस में दिया, तो वन पॉइंट लगाएंगे। और ये वर्टेक्स जो है इसका टू पॉइंट दिया है, तो इसे हम 2.1 and 2 पॉइंट तक हम लगाएंगे। अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे ऊपर वाले से, इसको इसको इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये सेम फिगर बननी चाहिए दोनों तरफ। अब स्टूडेंट्स जैसे कि इस पॉइंट से हमारे पास वन स्टेप की डिस्टेंस पर ये पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ वन स्टेप की डिस्टेंस पर एक पॉइंट नोट कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि ऐसे ही यहाँ हमें वन पॉइंट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाना है। अब इसको हम स्टूडेंट्स इससे ज्वाइन करेंगे, इसी को हम बीच वाले पॉइंट से भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से जो कॉपी में बुक में क्वेश्चन करा रहे हैं हम स्टूडेंट्स, उसे आपको बुक में ही करना है, और जो कॉपी के पेज पे कराएंगे उसे कॉपी के पेज पे करना है। तो ये सिर्फ फिगर दोनों साइड की सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, ऊपर नीचे या लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ फिगर सेम आनी चाहिए। तो ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है डॉटेड लाइन है, वो सिमेट्रिक लाइन है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनके सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम एक सिमेट्रिक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसको सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये टू इक्वल पार्ट्स में ऊपर नीचे दोनों इक्वल पार्ट्स में, ऐसे ही सिमेट्रिक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। इसमें भी जो है वर्टिकल ओरिएंटल है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें वर्टिकल लाइन है, और इसमें जो है हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, वो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें टू सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, 1 and 2, इस तरीके से टू सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कराई जाएंगी, ठीक है ना। इसमें भी टू ड्रॉ करेंगे, टू लाइन सिमेट्रिक, 1 ये हो गया एंड ये 2 ये हो गया। इसमें के में केवल हॉरिजेंटल लाइन ही आएगी एक स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट लेटर्स, तो नेक्स्ट लेटर्स में एम में सिर्फ वर्टिकल जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो खड़ी लाइन होती है उसे वर्टिकल बोलते हैं, और इसमें ओ में एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजेंटल इस तरीके से। इसमें टी में ओनली वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिक लाइन, यू के लिए भी वर्टिकल लाइन जो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगी। नाउ द लेटर बी, बी के लिए ओनली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, डब्ल्यू के लिए भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रेट सीधी, एक्स के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए हम ओनली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स वाई के लिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। राइट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो हम एफ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो एफ हो गया वो लेटर। स्टूडेंट जी को भी हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जे को नहीं कर सकते,
एल को नहीं कर सकते, पी को नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्यू को नहीं कर सकते, आर को नहीं कर सकते, एस को नहीं कर सकते और जेड को। इन लेटर्स को हम सिमेट्रिक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते इसमें, क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ट्रायंगल्स दैट हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, ये सिमेट्री। और सेकंड वाले पार्ट में इसके में जो है सिमेट्रिक लाइन, थ्री सिमेट्रिक लाइन, तो ऐसा ट्रायंगल बनाना है, हमें बताना है जो सिमेट्रिक लाइन ओनली वन हो। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ये आपके पास मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें टू लाइन्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, ये टू लाइन इक्वल है इसकी। ठीक है ना, तो इसमें ये लाइन इसके इक्वल है, ओनली इसमें एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये। ठीक है ना, अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8, बी पार्ट। इसका बी पार्ट इसमें पूछ रहा है थ्री सिमेट्रिक लाइन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो, इसमें तीनों साइड इक्वल होंगी स्टूडेंट्स। एक सिमेट्रिक लाइन ये इस तरीके से इसको ये कवर कर लेगा। अब एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, तो ये इसमें सिमेट्रिक लाइन आइसोसेलेस में ओनली सिंगल होती है, वन होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो है ट्रायंगल में थ्री सिमेट्रिक लाइन होती हैं। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, नेम द स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव ओनली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। केवल टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज फिगर को बोलते हैं। होते तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनमें ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्वाड्रिलेटरल्स में, तो उसमें से मैं एक बना के आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, एक तो आपके पास इस तरीके से वर्टिकल होती है सिमेट्रिक, यानी कि ये पोर्शन इसको ढक लेगा जब इसको हम फोल्ड करेंगे, और एक लाइन सिमेट्रिक ये होती है। ठीक है ना, इस तरीके से जो टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो रेक्टेंगल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द टेबल। यहाँ शेप दे रखी है स्टूडेंट्स, या फिगर और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर है स्टूडेंट्स, स्क्वायर में फोर साइड इक्वल होती हैं, इसके एक वर्टिकल लाइन, एक ओरिएंटल लाइन सिमेट्रिक होगी, दो डायगोनल, एक ये एक ये, इस तरीके से नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन इसमें स्टूडेंट्स 4 होंगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो ये रेक्टेंगल बनाया है, इसमें एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल, तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। रोम्बस इसमें भी स्क्वायर की तरह ये फोर साइड इक्वल होती हैं, बट इसके जो वर्टेक्स पर 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, वो डायगोनल भी इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगोनली हम जो दो लाइन इसको कवर कर देगा, इसको यदि फोल्ड करेंगे या इधर से फोल्ड करेंगे, इसको इधर से फोल्ड करेंगे, तो दो सिमेट्रिक लाइन डायगोनली ही बनेंगी इसमें। सर्किल में स्टूडेंट्स जो है इन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब डायगोनल से जो भी लाइन पास होगी तो सिमेट्रिक लाइन होगी, डॉटेड करके बनाना हमें। ठीक है ना, जितनी भी लाइन होंगी, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करी जा सकती हैं, एक नहीं बहुत सारी लाइन, तो हम कई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, तो मैंने उसमें से कुछ ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें ओनली थ्री लाइन सिमेट्रिक होती हैं, इस तरीके से हर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो थ्री सिमेट्रिक लाइन होंगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कराया, वैसे ही हमें इसमें भी ड्रॉ करना है, तो इस स्टेप को काउंट करेंगे, तो टू स्टेप ये दूर डिस्टेंस पे है, तो टू स्टेप पर हम यहाँ एक डाइग वो बना लेंगे फिगर। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, ये भी टू स्टेप पे है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप पे ये गया, और इसे भी थर्ड स्टेप पे यहाँ ले जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, आपको इस क्वेश्चन को बुक में ही करना है, इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स ये तो बन गया सेम, अब ऐसे ही ये सेम बनाना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस काउंट कर, वो सेंटीमीटर काउंट करने, तो 2 सेंटीमीटर हम इधर भी और 2 सेंटीमीटर इधर भी काउंट कर देंगे। अब इसके बाद थ्री स्टेप लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 एंड 3, तो थ्री स्टेप हम भी काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3,
ठीक है ना, ये ग्राफ पेपर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब इस पॉइंट को हमने पहले इससे मिला ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हो गया स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं। अब इसको इसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है कि इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन करना है। अब इसको इससे हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, दोनों तरफ सेम साइड आनी चाहिए, दोनों तरफ एक चीज़ सेम आनी चाहिए। इसको रब कर देते हैं, एक्स्ट्रा हो गया है, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ अगेन, तो सेम चीज़ आई है दोनों, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसको हमें स्टूडेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे सेम, तो इस तरीके से हम सर्कल बनाते हुए इसको लाएंगे अपने हाथ से, ठीक है ना, दोबारा ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स इसको, अब स्टूडेंट्स इसको कैसे ले जाना है, इस तरीके से ड्रॉ करते हुआ सेम पॉइंट से, जैसे पहले यहाँ लाएंगे फिर यहाँ, ठीक है ना, कर्व करते हुए, सेम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, ये सेम। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे करना है, इस तरीके से हमने ड्रॉ करा, ये सेम, अब इसको भी हमने सेम ऐसे कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके इस पॉइंट से इसे मिलाना है, इसको थोड़ा छोटा बन गया, आप बनाइए प्रॉपर तरीके से, और ये। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो थ्री स्टेप ले गए, 1 2 3, तो 1 2 3, थ्री स्टेप पर यहाँ हम इसको ज्वाइन कर देंगे इससे। अब वन स्टेप ऊपर ले जाएंगे तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे, अब पीछे आए हैं इससे वन स्टेप तो यहाँ ये ज्वाइन करेंगे, अब एक स्टेप हम यहाँ लेके आएंगे, इसको डायगोनली ड्रॉ करेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। जैसे इस बनी एक कार बनी, इसमें इसमें इसके व्हील को और बनाना है स्टूडेंट्स, तो व्हील को भी हम बनाएंगे इस तरीके से, तो दोनों साइड एक जैसी ड्रॉ होने चाहिए स्टूडेंट्स। इसके ए पार्ट में स्टूडेंट्स सेम ऐसे ही बनाना है फिगर में, इस तरीके से ये आई ड्रॉ करनी है कार्टून की, यहाँ तक लाना है फिर इसको स्टूडेंट्स, फिर इस स्टेप तक नीचे ले जाना है इसको, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे डायगोनली, फिर एक स्टेप नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट्स, फिर यहाँ स्टूडेंट्स इससे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको नीचे लेके आएंगे, फिर इसको ले जाएंगे इस तरह राइट हैंड साइड, फिर इसको हम स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से इससे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब एक स्टेप ये हमें दूर रखना है स्टूडेंट्स, इसमें ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, बाई मिस्टेक जो है बाहर की तरफ ड्रॉ हो गया, ये अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है ना, इसे अंदर की तरफ ड्रॉ करने के बाद इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरीके से आपके पास ये सिमेट्रिक लाइन इसमें ड्रॉ नहीं करी गई है, तो सिमेट्रिक लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है इसमें। अब इसको स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे लास्ट वाली फिगर को, जी वाले पार्ट में, तो वन स्टेप ये डिस्टेंस पर है तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी, अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखना है कि यहाँ से एक वन स्टेप डिस्टेंस पर ये पॉइंट लगा हुआ है, अब इस पॉइंट को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये इसको ज्वाइन कर देंगे इससे। अब इसको काउंट करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें सिमेट्रिक लाइन बनी हुई तो दोनों तरफ सेम फिगर आनी चाहिए, तो इस तरीके से ये आ गया। अब स्टूडेंट्स वन स्टेप नीचे गए हैं तो वन स्टेप हम नीचे पॉइंट लगाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब इसको स्टूडेंट्स काउंट करेंगे, यहाँ पर ये स्टेप लगा हुआ, वन स्टेप पॉइंट दूर है तो इसे लगा लेंगे, और इस पॉइंट को काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर हम एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेंगे, एक ऊपर से इसे ज्वाइन करेंगे, एक नीचे वाले से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स इसे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को देखना है, तो ये वन स्टेप दूर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी ड्रॉ करेंगे इसको वन स्टेप,
ठीक है। अब ये टू स्टेप दूर गया है तो टू स्टेप हमें भी लेने, वन एंड टू, तो टू स्टेप हम दूर ले लेंगे इसको। तो दोनों तरफ सेम फिगर आनी चाहिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से सेम दोनों तरफ एक जैसी आई है सभी फिगर्स में। ये मैंने नोट करके दिखा देता हूँ आपको कि सभी फिगर मेरी सेम आई हैं कि नहीं आई हैं। देखिए थोड़ा सा ये इस फिगर में डिस्टर्बेंस हुआ है, तो आप इसे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। से सब फिगर सेम आई हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ हैप्पी अर्ली कोर्स। स्टूडेंट्स इट इज़ एनफ फॉर टुडे। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय।